लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेर चौक में 36 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, जिनमें से एक छात्रा चंद्रिका ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बेटी भी शामिल है। चंद्रिका ठाकुर अपनी मां साधना ठाकुर के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंची और समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर एडमिशन लिया। बता दें कि मेडिकल कॉलेज नेर चौक में इन दिनों MBBS के दूसरे बैच की प्रवेश प्रक्रिया जारी है। प्रवेश प्रक्रिया प्रथम काउंसलिंग के मुताबिक हो रही है। प्रथम चरण की काउंसलिंग में नेर चौक मेडिकल कॉलेज की कुल 90 सीटों में से 76 सीटें अलॉट हो चुकी हैं। प्रथम चरण की काउंसलिंग में नेर चौक मेडिकल कॉलेज की कुल 90 सीटों में से 76 सीटें अलॉट हो चुकी हैं, जिनमें से लगभग 28 बच्चे अपना मेडिकल करवा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर एडमिशन ले चुके हैं। चंद्रिका ठाकुर से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उनका चयन निजी कॉलेज के लिए हुआ था, लेकिन वह सरकारी संस्थान में ही MBBS की पढ़ाई करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने ज्यादा मेहनत कर MBBS की प्रवेश परीक्षा दी और परीक्षा में 502 अंक प्राप्त किए। रैंकिंग के आधार पर उनका 9वां स्थान था, जिसे प्राप्त कर उन्हें नेर चौक मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ। कॉलेज अलॉट होने पर उन्हें खुशी भी हुई कि उन्हें गृह जिला के मेडिकल कॉलेज में उन्हें पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला के स्कूल में उन्होंने नर्सरी से प्लस टू तक की पढ़ाई की है। चिकित्सक बनने की प्रेरणा उन्हें अपनी माता और बहन प्रियंका ठाकुर से मिलती है। उनकी बहन प्रियंका ठाकुर मेडिकल कॉलेज टांडा में तृतीय वर्ष में MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। राजनीति में उनकी रुचि के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि राजनीति में भी उनकी रुचि है, लेकिन पहले उन्हें पढ़ाई पूरी करनी है और चिकित्सक बनकर जनता की सेवा करनी है। और मैंने आज यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन लिए नेचर मेडिकल कॉलेज में, एंड ये बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का और यहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, एंड मैंने हॉस्टल्स भी देखी, काफ़ी अच्छे हॉस्टल हैं, तो ये बहुत अच्छा वो होगा जब ये इसका हॉस्पिटल फंक्शनिंग हो जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज बनेगा। एंड इमेजिनिंग में ये टॉप में भी आ जाए आईजी के अंदर ये करूँगी, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पत्नी साधना ठाकुर ने अपनी बेटी चंद्रिका ठाकुर को एडमिशन लेने के बाद कहा कि नेर चौक मेडिकल कॉलेज का संरचनात्मक ढांचा और फैकल्टी बहुत ही अच्छी है। हालांकि कॉलेज में अभी भी अस्पताल नहीं चल पाया है, जिसे प्रदेश सरकार चलाने के लिए प्राथमिकता पर कार्य कर रही है। बेटी ने भी नेर चौक कॉलेज में एडमिशन लेने पर खुशी जाहिर की है। अपनी बेटी के एडमिशन लेने पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पत्नी साधना ठाकुर से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा शॉर्टकट को न चुनकर मेहनत के रास्ते को अपनाएं और हर उस काम में महारत हासिल करें जो वह कार्य कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी काम हो। जब आप अपने किसी भी कार्य में मेहनत हासिल कर लेते हैं तो उसकी सफलता आपके आसपास आने से गुरेज नहीं करेगी और आप हर स्थिति का सामना कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी बिटिया को उन्होंने आम आदमी की तरह परवरिश दी, जिस सबका परिणाम है कि आज मेरी दोनों बेटियां MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। एकेडमिक्स और एनी फील्ड इंडस्ट्री या कोई भी फील्ड लेना लेते हैं तो उसमें वो पूरी मेहनत और पूरी अपनी इच्छा शक्ति के साथ उसमें काम और स्टेट को आगे ले जाए। अभी तो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, बोल रहे हैं कि यहाँ पर टीचर्स भी पूरे हैं जो यहाँ पर है, तो लगता है आने वाले समय में ये एक टॉप मेडिकल कॉलेज बनेगा। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि अच्छा कॉलेज बने। अभी क्योंकि वर्किंग कंडीशन में है या वर्किंग कंडीशन में नहीं है, इसलिए आप एकदम कमियां को देख नहीं पा सकते हैं इसमें। पर अभी जैसे बताया कि पूरा AC है, इसलिए सारे वेंटिलेशन सब बनते हैं, तो हो सकता है जिस तरह से लाइट कभी जाए या थोड़ी एक प्रॉब्लम रह सकती है, उस पर थोड़ा टेक्निकल को डिस्कस करने की बात होगी तो कर सकते हैं।